हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आरिफ जी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो है एचएसएन कोड को लेकर, जब वो प्रिंट कर रहे हैं अपने बिल को, चाहे वो परचेज वाउचर में एंट्री करें या सेल्स वाउचर में एंट्री करें, तो परचेज करते समय या सेल्स करते समय एचएसएन कोड वाला कॉलम नहीं शो हो रहा है और एचएसएन कोड प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टैली आरपी 9 को। तो जैसा कि देख सकते हैं कंपनी पहले से बनी हुई है, इसमें हमें एंट्री करनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और रिसिप्ट वाउचर में चलेंगे। रिसिप्ट वाउचर के लिए हम प्रेस करेंगे F6 और यहाँ क्रेडिट आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से बना हुआ है, तो इसमें कुछ पैसे हम पहले डाल लेते हैं। तो ये हमने कुछ पैसे डाल दिए और इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब चलिए बाहर आते हैं इससे। अब चलेंगे वापिस कहाँ, अब हमें चलना है परचेज वाउचर में, या हम सेल्स वाउचर में जा सकते हैं। तो पहले परचेज में चलते हैं। तो परचेज वाउचर के लिए यहाँ पे माउस से क्लिक कर देंगे तो हम परचेज वाउचर में आ जाएंगे। तो ये आ चुके हैं परचेज वाउचर में। यहाँ हमने वाउचर क्लास बना रखी है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर कह रहा है, तो ये दे दिया हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर। और यहाँ पर हम चूंकि परचेज वाउचर है तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो मोनो क्रेडिटर कर देता हूं मैं। एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे, ये सेम स्टेट का मामला, इस वजह से हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर। अब जो भी स्टॉक आइटम हमने बनाए होंगे उन स्टॉक आइटम्स को यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। जैसे दलिया है तो ये ले लिया हमने, और जिस भी गोडाउन में रखा हो वहां से हमने उठा लिया। और 6 किलो इसकी क्वांटिटी है और 300 रुपए का दलिया हम खरीद रहे हैं। इसके बाद आते हैं कीबोर्ड पर। तो कीबोर्ड के हम 8 आइटम खरीद रहे हैं और उसके हिसाब से यहाँ कॉस्ट आ गई। अब मान लीजिए ये 2 ही प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएसटी लगाया हमने, सीजीएसटी आ गया। अब एसजीएसटी लगाते हैं, सेम स्टेट का मामला है इस वजह से, और इसको अब एक्सेप्ट कराएंगे। तो जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे हम ये न्यू रेफरेंस, ठीक है, और यहां से इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये एक्सेप्ट तो हमने करा लिया। अब हमको जब प्रिंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, हमको कहां जाना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा। 2 बार डी प्रेस कीजिए, डिस्प्ले में आ जाएंगे। और ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा मोनो क्रेडिटर, ये हमारी एंट्री है और इसको हमने ओपन करा। अब अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे हम, तो ये वाउचर प्रिंटिंग वाला ये जो बॉक्स जो शो हो रहा है ये शो होगा। अब यहां पर आपको प्रेस करना है F12 की। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहां देख पाएंगे कि ये लिखा हुआ है प्रिंट जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम्स, तो ये नो है। इसको आप कर दीजिए यहां से यस, सबसे पहले इसको यस कर दीजिए, इंटरफेस करिए। और ये जो नीचे वाला कॉलम है प्रिंट एचएसएन ऑब्लिक एसएससी डिटेल्स, इसको भी एस रखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर दिया हुआ है प्रिंट एचएसएन एसएससी कॉलम, तो हमें कॉलम भी प्रिंट कराना है, तो इसको भी हम यस कर देंगे और अब करा लेंगे इसको एक्सेप्ट, ठीक है। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो एचएसएन कोड हमारा प्रिंट होकर आएगा। यहां पर मैं कोड ओके सेव किया हमने, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी प्रिंट जो है कैसी आई हुई है। तो एचएसएन कोड डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो यहां पे देख सकते हैं आप एचएसएन कोड जो है इस पे प्रिंट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि एचएसएन कोड एक्टिवेट कैसे करना है ये आपको जरूर पता चल गया होगा। और अगर वीडियो समझ में आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही साथ शेयर भी करें इस वीडियो को।